भारतीय संघाच्या विजयानंतर धुळे शहरातील मौलवी गंज परिसरात एकच जल्लोष, फटाके फोडून आनंद उत्सव करण्यात आला साजरा। 17 वर्षांचा दुष्काळ संपवत भारतीय क्रिकेट संघाने T20 क्रिकेट विश्वचषक जिंकला आहे। भारतीय संघाच्या या विजयानंतर संपूर्ण देशात जल्लोषाचे वातावरण आहे। फटाके फोडले जात आहेत, घोषणा दिल्या जात आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारतीय क्रिकेट संघाचे अभिनंदन केले असून देशातील 140 कोटी देशवासियांना आज अभिमान वाटत असल्याचे म्हटले आहे। याच पार्श्वभूमीवर धुळे शहरात देखील ठिकठिकाणी फटाके फोडून जल्लोष साजरा करण्यात आला। धुळे शहरातील सर्वात गजबळ जिल्हा ठिकाण म्हणजे मौलवी गंज परिसरात देखील फटाके फोडून मोठा जल्लोष साजरा करण्यात आला। यावेळी परिसरातील युवक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित असल्याचे बघास मिळे। यावेळी सर्वांच्या चेहऱ्यावर एकच आनंदोत्सव बघावस म्हणाला। भारतीय संघाच्या विजयानंतर उपस्थित त्यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करा शुभेच्छा दिल्या। या शानदार विजयाबद्दल सर्व देशवासियांच्या वतीने टीम इंडियाचे खूप खूप अभिनंदन करण्यात आले। मैं अब्दुल हफीज अब्दुल हक, आज का दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मौलीगंज का इलाका है, ये मुस्लिम बहुल एरिया है। और हमारे लिए खुशी का दिन इसलिए कि आज के दिन 29 जून 2024 को हमारा भारत जो है, हमारी जो क्रिकेट टीम है, तो आज T20 वर्ल्ड कप में 17 सालों के बाद फिर से फाइनल जीती है। और 11 सालों के बाद हमारी टीम जो है तो फाइनल में आई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और जिसकी वजह से हम लोग आज पूरे हमारे इलाके के लोग यहाँ मौजूद है, हमारे बच्चे बूढ़े सभी मिलकर यहाँ पर जश्न मनाया है और आतिशबाजी खूब जम के की है, खूब इंजॉय किया है। क्योंकि आज का जो मैच था बड़ा टफ मैच था। हमारे आज के मैच के जो हीरो रहे हैं विराट कोहली, बेहतरीन इनिंग के लिए इन्होंने तकरीबन 76 रनों की इनिंग के लिए इन्होंने, इसके साथ हमारे जो बॉलर लोग थे इन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक वक्त तो हमें यूं महसूस हो रहा था जब हेनरिक क्लासन जब बैटिंग कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये मैच शायद हमारे हाथों से फिसल रहा है। लेकिन हमारे देश के जो शेर थे, जो हमारे जो बॉलर लोग थे, इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपने स्पेल डाले और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। चाहे वो हर्षदीप सिंह हो, जसप्रीत बुमराह हो या फिर हार्दिक पांडे हो, हमारे सभी बॉलरों ने बड़ी अच्छी तरीके से बॉलिंग की और आज हम वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में यहाँ पर मौलीगंज के अंदर एक जश्न मनाया है।